Hello, dear students. In this video, I will discuss the sixth stanza of the poem We Are Seven. The lines are like that. I will read out Two of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage, I dwell near them with my mother. प्रीवियस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट द पोइट विलियम वासवर्ड इज आस्किंग दैट लिटिल गर्ल दैट लिटिल कॉटेज गर्ल हाउ मैनी सिबलिंग्स शी हैव एंड शी रिप्लाईज दैट शी हैज़ सेवन सिबलिंग्स वो सात भाई बहन हैं और फिर वो पूछते हैं वियर डू दे लिव वो कहाँ रहते हैं दैन शी रिप्लाईज दैट टू ऑफ दैम कौनवे इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड टू अदर्स हैव गॉन टू सी विद सेलर्स एंड फिफ्थ इज शी हर सेल्फ तो पाँच भाई बहनों की जानकारी वो दे चुकी है शी हेज गिवन द डिटेल्स ऑफ फाइव सिबलिंग्स एंड नाउ शी टेल्स द रिमेनिंग शी टेल्स अबाउट द रिमेनिंग टू सिबलिंग्स ऑफ हर्स शी सेज टू ऑफ फर्स्ट इन द चर्च यार्ड लाई टू ऑफ हम में से दो जो हैं वो कहाँ हैं इन द चर्च यार्ड चर्च यार्ड ग्रेवयार्ड चर्च में एक हिस्से में कब्रिस्तान है वहाँ वो लाई लाई मीन्स लाइंग बरीड दे आर लाइंग बरीड इन द ग्रेव यार्ड और कौन है वो माई सिस्टर एंड माई ब्रदर मेरी बहन और मेरा भाई एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई डवेल नियर दैम और चर्च यार्ड आ, के पास ही एक कॉटेज है एक देर इज़ अ हट नियर दर्च यार्ड आई डवेल नियर दैन डवेल मीन्स रहना या रिजाइड आर ई एस आई डी ई आई लिव नियर बाई दैम विद माई मदर मैं अपनी माँ के साथ एक कॉटेज में उनके पास ही रहती हूँ माई वन सिस्टर एंड वन ब्रदर ऑफ़ माइन आर लाइंग बरीड इन द चर्च यार्ड वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं उनको दफन कर दिया गया है और मैं उनके पास ही एक झोपड़ी है जहाँ मैं रहती हूँ तो ये एक बड़ा पैथटिक वीकेंस से डिस्क्रिप्शन है वेयर एट वन पॉइंट ऑफ एट वन पॉइंट दस लिटिल गर्ल इज़ मिसिंग हर डिपार्टेड वी कैन से शी समेर मिसिंग हर डिपार्टेड सिबलिंग्स बट एट द सेम टाइम शी हैज़ दैट फीलिंग ऑफ एसोसिएशन विद डैम वो कहती है कि मैं उन्हीं के पास रहती हूँ और वो कहाँ हैं वो एक चर्च यार्ड में दफन है वहाँ वो लेटे हुए हैं तो इसके स्टैंडा uh, के बाद हम हम, हम देखेंगे कि कहानी और आगे बढ़ती है सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू